साफ सुथरी राजनीति करने और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर के काकादेव थाने के हिस्ट्री शीटर और हत्या के मामले में सजा पाने वाले अरविंद राज त्रिपाठी को भाजयुमो का प्रदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कार्यकारिणी में कानपुर के जिन दो भाजयुमो नेताओं अरविंद राज त्रिपाठी और डॉक्टर शिवबीर सिंह को जगह मिली है, उनका इतिहास भी दागी रहा है। अरविंद राज तो थाना काकादेव का हिस्ट्री शीटर है, जबकि शिवबीर हाल ही में हिस्ट्री शीटर बदमाश को भगाने के मामले में चर्चा में आए थे, हालांकि उस मामले में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस खुलासे के बाद सियासी हलके में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि अब अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कहां गई? साथ ही विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। इसे लेकर न केवल विपक्ष में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजयुमो प्रदेश पदाधिकारियों की घोषित सूची में शहर से अरविंद राज त्रिपाठी को मंत्री और शिवबीर सिंह भदौरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर शिवबीर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण और अरविंद राज भारतीय जनता पार्टी उत्तर से सक्रिय हैं। डॉक्टर शिवबीर पिछले 3 सालों से युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, तो अरविंद राज युवा मोर्चा के रचनात्मक प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक और कई अन्य पदों पर रह चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल अरविंद राज के मनोनयन पर है। अरविंद राज थाना काकादेव का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत तमाम गंभीर 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसलिए न केवल हिस्ट्री शीट खोली बल्कि गुंडा एक्ट जैसी धाराओं में भी निरुद्ध किया जा चुका है। वर्ष 2005 में चकेरी थाना क्षेत्र में छात्र नेता सनी गिल की हत्या के मामले में भी अरविंद को आरोपित बनाया गया था और सीतापुर सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस हत्याकांड में वह लंबे समय तक जेल में रहा, हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। अरविंद पर एक कैंटीन संचालक की हत्या का भी आरोप था। वहीं शिवबीर का नाम पिछले दिनों उस समय चर्चा में आया जब हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में भगाने के मामले में वायरल वीडियो में वह भी नजर आया था। हालांकि पुलिस को वीडियो में साक्ष्य नहीं मिले, जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का अपराधियों को लेकर अपने और दूसरों के लिए अलग अलग पैमाना है? इस नियुक्ति से पार्टी में भी हंगामा मचा हुआ है और दबी जुबान से पदाधिकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।